आत्मा को पहले शांति धाम ले जाते हैं या शांति का अनुभव कराते हैं और बाद में सुख में भेज देते हैं। बाप तो सुख धाम में भेजते हैं लेकिन फिर आत्मा दुखी क्यों हो जाती है? हर आत्मा के अंदर अपने अपने पार्ट्स भरे हुए हैं। जो अनादि पार्ट है वो आत्मा बजाती है। कोई में लंबे समय का सुख भोगने का पार्ट भरा हुआ है और कोई में थोड़े समय का सुख भोगने का पार्ट भरा हुआ है। कोई सुख भोगता है तो इतनी तीव्रता से सुख भोगता है कि वो जल्दी ही नीचे गिर जाती है आत्मा। जैसे देवताएं हैं सतयुग त्रेता में जन्म लेते हैं, जन्म लेते नीचे तो सब उतरते हैं। सतयुग में भी 2 कला नीचे उतरते हैं, त्रेता में भी 6 कला नीचे उतरते हैं, त्रेता के अंत में 8 कलाएं कम हो जाती हैं। लेकिन उनमें भी कोई कोई आत्मा ऐसी है कि त्रेता के अंत तक आते आते पूरी ही नीचे गिर जाती है और कोई कोई आत्मा है पूरी नीचे नहीं गिरती। तो इसका क्या कारण हुआ? जो पूरी नीचे गिरती है, पूरी पतित बनती है, उसमें ऊपर से आने परम धाम से आने वाली आत्मा प्रवेश करती है। कौन? अब्राहिम, जो द्वापर के आदि में आता है, पहला धर्म पिता, विधर्मी विदेशी, वो प्रवेश करता है क्योंकि उस आत्मा को गर्भ में प्रवेश करके दुख नहीं मिल सकता। वो आत्मा बाप के घर से आती है। जो बाप के घर से आती है वो तो सात्विक आत्मा है, सतो प्रधान आत्मा उस समय के हिसाब से। और वो सतो प्रधान आत्मा जब प्रवेश करेगी तो गर्भ में प्रवेश नहीं कर सकती क्योंकि द्वापर युग में जो गर्भ है वो दुख का होता है, सुख का गर्भ नहीं होता। जैसे दुख धाम में आ जाती है, गर्भ में आत्मा अपने को बंधन में महसूस करती है, त्राहे करती है बाहर निकलने के लिए। तो जो आत्मा पहले परम धाम से आएगी वो दुख नहीं भोग सकती, फिर प्रवेश किस में करेगी? उसे प्रवेश करने के लिए पतित तन चाहिए। तो उस समय जो आत्मा सबसे पतित होती है उसमें आकर के इब्राहिम प्रवेश करता है। फिर नंबर वार जो पतित आत्माएं होती हैं उनमें इब्राहिम के फॉलोअर्स पीछे पीछे आने वाली आत्माएं प्रवेश करती रहती हैं और इस्लाम धर्म की स्थापना कर देती है। उनके मुकाबले क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं उनके पतित बनने की तीव्रता कम होती और इस्लाम धर्म की आत्माओं के मुकाबले वो 500 वर्ष तक ज्यादा लंबे समय तक पावन स्टेज में रहती हैं और फिर पतित बनती है। ऐसे ही बौद्ध धर्म की आत्माएं क्रिश्चियंस के मुकाबले पहले नीचे गिरती है, उनमें पावर जल्दी खत्म हो जाए। ऐसा क्यों?
कोई धर्म की आत्मा है लंबे समय तक पावर रोक करके रखती है, आत्मा की पावर उनकी घटती नहीं है, और कोई आत्मा है जल्दी ही उनकी पावर खलास हो जाती है। कारण क्या हुआ? इस्लाम धर्म की जो आत्माएं हैं उनके जन्म जन्मांतर की आदत है कि वो आत्माएं तीव्र गति से नीचे उतरती हैं। कारण व्यभिचार, सबसे जास्ती व्यभिचार में जाने वाली आत्माएं है इस्लाम धर्म। उनके मुकाबले कम व्यभिचारी बनते हैं बौद्ध धर्म की आत्मा। ऐसे तो बौद्ध धर्म में पहले पहले संन्यास था, बहुत पवित्र रहते थे, लेकिन थोड़े ही समय के बाद बौद्धियों में जो वो बनाए जाते थे बुद्ध विहार, उन बुद्ध विहारों में स्त्री पुरुषों को साथ साथ रहने की अनुमति दे दी गई, और जब स्त्री पुरुष साथ साथ रहे तो उनमें व्यभिचार फैल गया। अभी भी ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई कोई ऐसे बुद्धू ब्राह्मण हैं जो कहते हैं हम तो आत्मा आत्मा भाई भाई है ना, देवांध को क्यों आता है कि हम स्त्री हैं हम पुरुष हैं, जब है ही आत्मा आत्मा भाई भाई तो हम साथ साथ नहीं रह सकते, एक ही घर में नहीं रह सकते। अरे आत्माओं को संग का रंग नहीं लगता है क्या? आत्माओं को ही तो संग का रंग लगता है, ये परमात्मा को लगता है। संग का रंग किसको लगता है? संग का रंग तो आत्माओं को लगता है। तो जब मालूम है कि आत्माओं को संग का रंग लगता है तो संग के रंग से बचाना चाहिए ना, साथ साथ रखने की तो बात ही नहीं। स्त्रियों का अलग प्रबंध होना चाहिए, पुरुषों का अलग प्रबंध होना चाहिए। हाँ एक फैमिली है तो बात दूसरी है। तो बौद्ध धर्म में ये बुद्धूपना आ गया, उन्होंने साथ साथ रहना शुरू कर दिया तो व्यभिचार तेजी से फैला, और बौद्ध धर्म जो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था संसार में फैल रहा था, उनका पराभव हो गया, पतन हो गया। बौद्ध धर्म जितना पुराना है विदेशियों के बीच में उसके मुकाबले उसकी राजाई बहुत कम चलती है, सिर्फ आरंभ के 500 साल तक उनकी राजाई कायम रहती है और बाद में राजाई नष्ट हो जाती है। उसके बाद आते हैं क्रिश्चियंस जो है उनमें काम विकार उतना जास्ती नहीं होता, क्रिश्चियंस होते हैं ठंडे देश के और इस्लामी होते हैं गर्म देश के। अरब देश गर्म देश है, जहां गर्मी जास्ती होती है तो वहां इंद्रियों में भी गर्मी आती है, इंद्रियां अपने को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं रहती, और वहां पानी भी कम होता है। पानी तो ठंडा करने वाली चीज है, तो पानी न होने की वजह से वो और भी अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते,
ऐसे जैसे कि ज्ञान जल है, हमको बाबा ज्ञान जल में डुबो करके रखता है, तो ज्ञान जल में डूबे हुए होने के कारण हमारी इंद्रियों में ठंडक आती है, शांति महसूस होती है। बाबा की याद में रहने से, जितना हम याद में रहने की प्रैक्टिस करते हैं उतना हमारी बुद्धि सूक्ष्म बनती है और ज्ञान का मनन चिंतन मंथन भी जास्ती चलता है। जास्ती ज्ञान का मनन चिंतन मंथन चलता है तो इंद्रियां जो है वो शांत रहती है, अशांति से मुक्ति मिलती है। क्रिश्चियंस वो भी ठंडे देश के, ठंडे देश के होने के कारण मुसलमानों के मुकाबले, इस्लामियों के मुकाबले उनमें काम विकार तो उतना नहीं पड़ता, हालांकि व्यभिचारी तो होते हैं लेकिन क्रोध बहुत होता है। और वो क्रोध भी ठंडा क्रोध, बाहर से पता नहीं लगता कि ये क्रोध कर रहे हैं, बाहर से बड़े शांत स्वभाव होकर के दिखाई पड़ेंगे और अंदर से उनको क्रोध भरा हुआ है, तो वो क्रोध विकार जो है वो भी उनको नीचे लाता है। लेकिन बाबा कहते हैं क्रोध ही को पतित नहीं कहेंगे और कामी को पतित कहेंगे। क्रोधी जो है उसकी आंखों में क्रोध आता है, मुख में क्रोध आता है, लाल लाल हो जाता है, आंखें लाल लाल हो जाएंगी। और जो कामी है उसकी शेष इंद्रियों में तेज नहीं आता, गर्मी नहीं आती, उसकी व्यस्त इंद्रियों में गर्मी आती है। तो ये जो शेष इंद्रियां हैं वो कम पतन करने वाली है और जो भ्रष्ट इंद्रियां हैं वो शक्ति को तेजी से छीन करती है। इसलिए इस्लामियों के मुकाबले, बौद्धियों के मुकाबले जो क्रिश्चियंस हैं वो कम पतित बनते हैं। बाबा भी क्रिश्चियंस और क्राइस्ट की राशि मिलाते हैं, मुरलियों में क्रिश्चियन की राशि, क्राइस्ट की राशि और कृष्ण की राशि एक बताई, उसका प्रूफ भी मिलता है। सीढ़ी के चित्र में राम वाली आत्मा ज्यादा नीचे गिरती है, कांटों की सैया पर दिखाई गई है सीढ़ी में, और कृष्ण वाली आत्मा एकदम गिरी हुई नहीं है, खड़ी हुई है, माना पुरुषार्थ में खड़े होकर के रहती। फिर भी जितना भी उन्होंने अपने शरीर से पुरुषार्थ किया वो पुरुषार्थ चैन की वंशी बजाते हुए किया। कोई बहुत तकलीफ पुरुषार्थ में अनुभव नहीं होती, जबकि राम वाली आत्मा ज्यादा ही नीचे गिरती है। तो जैसे राम और कृष्ण में भेद है, ऐसे ही इस्लामी और क्रिश्चियंस में भेद समान जैसा है। वो बनते हैं काले लंगूर काम विकार के कारण, और वो बनते हैं लाल मुंह वाले बंदर क्रोध विकार के कारण। पतन ज्यादा किसका होता है? जो कामी है उनका जास्ती पतन होता है और क्रोधी का पतन कम होता है। इसलिए क्रिश्चियंस जो है वो कलयुग के अंत तक भी उनकी जास्ती आबादी नहीं हुई, और इस्लामियों की आबादी सारी दुनिया में फैल गई।
अभी अंत में आकर के 100-200 वर्ष में क्रिश्चियंस जास्ती बढ़ गए, क्योंकि वो सारी दुनिया में फैले। क्रिश्चियंस का राज्य जो है, कहते हैं क्रिश्चियंस के राज्य में एक टाइम ऐसा था कि सूर्य अस्त ही नहीं होता था, इतना दुनिया में राज्य लास्ट के 100-200 वर्षों में फैल जाता है। तो जो ठंडे प्रदेशों से उनको बाहर निकल के आना पड़ता है, कोई अफ्रीका की साइड में जाते हैं, कोई भारत में आते हैं। भारत की गर्मी में और यूरोप की गर्मी में तो बहुत अंतर है, अफ्रीका में तो और ही जास्ती गर्मी पड़ती है, तो धीरे धीरे उनमें अंतर आ जाता है। वो अंतर जो है वो उनमें भी विचार को फैलाता है। आज क्रिश्चियंस की संख्या दुनिया में ज्यादा हो गई, पहले मुसलमानों की संख्या जास्ती थी।